अस्सलाम वालेकुम प्यारे भियो, एथनी नेटवर्क में विड्रावल भी स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे भियो, यहाँ पर विड्रावल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, तो प्यारे भियो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने वीडियोस को फुल वॉच कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो प्यारे भियो, सारा कुछ इस वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर अपडेट पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 8 अप्रैल की अपडेट है, और उन्होंने कह दिया है कि टूमोरो अप्रैल 9th 2024, मतलब कि 9 डेट को अप्रैल की विड्रावल फ्यूचर इनका मतलब कि हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो प्यारे भियो, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर एथनी नेटवर्क को ओपन कर लेना है, आपने P2P पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो प्यारे भैया, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, और यहाँ पर एक और पासवर्ड देना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, और रेफर कोड आपने गौर से देख लेना है, यही आपने यहाँ पर लगा लेना है, और स्क्रीन पर शो हो रहा है और मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वो कॉपी करके यहाँ पर लगा लेना है। और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कर लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। बाकी यहाँ पर लॉगिन का है, तो यहां पर मैंने यहां पर अकाउंट बना लिया, तो लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूं, और यहां पर ये देख सकते हैं जीमेल मैं दूंगा, पासवर्ड दूंगा, और लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहां पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो प्यारे भैया, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी सर्चिंग वगैरह होगी, और ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने ये वाला काम करना है, ये जो लोगो बना हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये ऊपर ओवरव्यू वाला ऑप्शन होता है, यहीं पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहीं से आप मतलब कि डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रावल भी कर सकते हैं ओवरव्यू में जाकर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, लिंक्ड ऐड का ऑप्शन होता है, मतलब कि वो कहते हैं कि अपना वैलेट ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जीमेल बनी हुई है एथनी नेटवर्क पर, ऊपर तो आपकी दिखाई दे रही होगी, नीचे भी वही शो हो जाएगी, बस आपका वैलेट यहां पर ऐड हो जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डिपॉजिट वाला ऑप्शन है। तो मैं आपको सारे यहां पर फंक्शन बताने वाला हूं, और कम समय में बताऊंगा इंशाल्लाह, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही बताऊंगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये वाला एड्रेस आ जाता है, अगर USDT ऊपर सेलेक्ट करते हो, यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर ये देख सकते हैं, अगर ATH अगर आप यहां पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने विड्रावल करना है तो पहले डिपॉजिट करना होगा, तो यहां पर ये देख सकते हैं ATH आ गया। बाकी आपकी जो जीमेल होती है वो यहां पर ऐड हो जाती है, और यहां से इसको क्या कर लेना होता है, आपने कॉपी करना होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपने वापस आ जाना है एथनी नेटवर्क में, जो आपका माइनिंग ऐप है, ठीक है, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर ये देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये वाला वैलेट वाला, तो यहीं पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड वाला ऑप्शन है, यहीं पर आपने क्लिक करना है सेंड पर, और सेंड पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट एंड टू एथनी P2P लिखा हुआ, यहीं पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ATH भी आ चुका है, जेम भी आ चुका है, जेम भी यहाँ से ऐसे ही सेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ATH लिखा हुआ है, तो ATH पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर ये मैक्स वाला ऑप्शन है, अगर आप सारे सेंड करना चाहते हैं तो मैक्स पर क्लिक कर देना, वरना आप ऐसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 100 सेंड करना है, 1000 सेंड करना है, जो आपका दिल करे। बाकी फीस ये वाली लगेगी अगर ज़्यादा सेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, जीमेल देनी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो जीमेल आपने वहाँ से कॉपी की होगी वो यहाँ पर लगा लेंगे, और उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, जो ये वाली जीमेल है आपकी, ठीक है, वहीं पर एक कोड आएगा, वो यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो आपकी वेबसाइट है P2P वाली, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर वो शो कर देंगे, डिपॉजिट इस तरह करना है, ठीक है। बाकी विड्रावल कैसे करना है वो यहाँ पर मैं आपको इसका लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेक करते हैं, और यहाँ पर सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मजीद मैं पीछे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बाय वाला ऑप्शन है, ये सेल वाला है। तो बाय वाले पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे मतलब के जो बाइंग हो रही है 0.069, ठीक है, और लिमिट भी आपने देख लेनी है। उन्होंने कह दिया है कि $5 मिनिमम आपके पास होने चाहिए अगर आप बाय करते हैं, और मैक्सिमम आपके पास $19 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा कुछ आपने देख कर ही ये बाइंग वगैरह करना है। वैसे आपने यहाँ पर सेलिंग पे फोकस करनी है, क्योंकि प्राइस अगर आपको ठीक मिल रहा है तो आप सेल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं सेल वाला ऑप्शन है, यहीं पर हम क्लिक करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0.071 यहाँ पर USDT इसमें प्राइस बता रहा है। PKR में बात करें तो 20
₹20 से ऊपर ही जाकर बनते हैं। तो यहाँ पर उनका कुछ क्राइटेरिया भी होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि आप $30 से अगर कम आपके पास मतलब कि ATH टोकन है तो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा है तो फिर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, बाकी नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये भी देख सकते हैं ये लिमिट लगी हुई है कि आपके पास, ये भी आपने देख लेना है आपके जो टोकन है वो इनसे अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप यहाँ पर नहीं कर सकेंगे, अगर कम है तभी जाकर आप सेल कर पाएंगे, बाकी ये लिमिट वगैरह भी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं $5 मिनिमम होना चाहिए और $24 आपके पास मैक्सिमम होने चाहिए, फिर आप यहाँ पर कर पाएंगे। मैक्सिमम मतलब 24 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब विड्रावल नहीं कर पाएंगे $24 से ऊपर, और $5 से कम यहाँ पर फिर भी विड्रावल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें देखनी है, और आपके टोकन भी ज़्यादा होने चाहिए ATH यहाँ पर देख लेने। जैसे किसी एक पर मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पर ये फीस लगती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिमिट का आपको पहले बता दिया, ATH भी आपके इससे ज़्यादा होना चाहिए ये भी बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ATH लिखूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ATH, ठीक है, तो जैसे फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1000 लिख देता हूँ, अगर मेरा ठीक होगा तो फिर यहाँ पर वो बता देगा। अब देख सकते हो वो कहता है कि ये लिमिट में नहीं आ रहा 1000, ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करो, वैसे तो मेरे पास बैलेंस नहीं, ऊपर बता रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ 440 ऐसे लेके देता हूँ। अब देख सकते हैं ये मतलब कि ये क्राइटेरिया ये देख लेना, ये इसी के बराबर हो लिमिटेड, वो कह रहा है जैसे $30 .52 है तो यहाँ पर भी आपके वैसे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने सेल पे क्लिक करना है तो आपका सेल हो जाएगा, और बाकी ये जो USD आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे। और कहाँ पर आपको शो होंगे, यहाँ पर आप ऊपर जाएँ, ठीक है, यहाँ पर लोगो जो आपको बना हुआ है यहीं पर आपने क्लिक करना है, ओवरव्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे इसका इंटरफेस ओपन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ, तो USD फिर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो है ना ये आपका USD का है, तो यहीं पर आपके USD यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर आ जाएंगे ना, ठीक है, फिर यहाँ पर ये विड्रावल वाला ऑप्शन है यहीं पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अभी ये ATH और जेम्स बता रहा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा USD का, तो फिर आप विड्रावल कर पाएंगे, तो यहाँ पर पहले आपने वो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने आल पर सेलेक्ट करना है, और ये तो ऑटोमेटिकली आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, बस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी USD यहाँ पर शो नहीं कर रहा, शो हो जाएगा, ठीक है, आज हो जाए या कल हो जाए तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा।